नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस स्पेशल। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आजादी के 73 साल बीत जाने के बावजूद तिल्दा के पास एक ऐसा गांव है जहां ना तो सड़क है और ना ही बिजली। सरकारी सुविधाओं से विहीन इस गांव के लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं। गांव एक ओर से नहर से घिरा हुआ है, नहर पर पुल और गांव में पक्की सड़क नहीं रहने के चलते लोगों को आवागमन में काफी असुविधा होती है। गांव की सैकड़ों बच्चों ने केवल आपको बता दें सड़क के नाम पर पढ़ाई छोड़ दी है। कई बार गंभीर रूप से बीमार रोगी इलाज के अभाव में रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो ये तस्वीरें हैं तिल्दा गांव की। सड़क के समस्या के साथ भी समस्या है कि 102-108 गाड़ी इमरजेंसी आते तो हम गांव वाले ला 4 किलोमीटर आगे गांव से गाड़ी लाल पर थे। यहाँ तक कि रास्ता के इतना बड़े समस्या है हम के लिए, आए जाए पर रास्ता नहीं है। रास्ता रही से कुला की सामने अपन घेर चुके हवा, हमला रास्ता चाहिए। 75 साल हो गए तब भी से हमारे गांव पर सदा मानपुर में आज तक रोड का लिए कुछ नहीं किए हैं। जब चुनाव आते हैं तब आते हैं प्रत्याशी लोग और हमें जिताओ हमें वोट दो करके बोलते हैं, उसके बाद जीतते हैं तो इस गांव में दोबारा शक्ल नहीं दिखाते हैं। और ज्ञापन है, मैं इनकी समस्याएं लिखी हुई है कि मानपुर तक जाने वाली जो रास्ता है वो बाधित है, किसी के द्वारा उस जमीन पे अतिक्रमण कर लिया गया है। मैंने पटवारी को निर्देशित कर दिया है, तत्काल प्रतिवेदन देगा, अतिक्रमण हम हटवा लेंगे और वैकल्पिक रास्ता है उसकी व्यवस्था हम बना दिया। तो तस्वीर है तिल्दा गांव की, जहां पर ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। रहवासी जीवन जी रहे हैं, पता नहीं कैसे जी रहे हैं। तमाम सरकारें बदलती हैं, आजादी के 73 साल बाद भी इस गांव में विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। विकास इस गांव से कोसों दूर है। रास्ता नहीं होने के चलते बच्चे अपना स्कूल तक छोड़ चुके हैं, पढ़ाई बच्चे छोड़ चुके हैं। देश का भाग्य भविष्य जब खतरे में पड़ जाए तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति इस गांव की हो रही होगी, जहां 73 साल बाद भी ये असुविधाओं से जूझ रहे हैं। सुविधाओं का इस गांव में अभाव है। आज भी लालटेन के युग में जीने को ये ग्रामवासी मजबूर हैं। तमाम अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन इस गांव के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो आज भी लालटेन के युग में रहवासी जीने को मजबूर है। नहर पर पुलिया नहीं होने के चलते बारिश से मार्ग बंद हो जाता है और ये मार्ग बंद हो जाता है तो बच्चे भी स्कूल जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल आखिर जाएं तो जाएं कैसे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके जहां पर कोई भी सुविधाओं का अभाव है। सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है गांव के भीतर, स्कूल की सुविधा प्रॉपर नहीं है, सड़क नहीं है, पानी भरा रहता है, बावजूद इसके ग्रामीण अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आजादी के 73 साल बाद भी इस गांव में विकास क्यों नहीं पहुंचा, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ इस गांव को क्यों नहीं मिल पा रहा। ज्यादा जानकारी के लिए तिल्दा से हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, आखिर क्या है इस गांव की स्थिति, जरा विस्तार से बताएं आप। आपको बताना चाहूंगा कि आज आजादी को 73 साल हो चुके हैं जी। लेकिन इस सड़क इस गांव के लिए जहां 800 लोग निवास करते हैं उनके लिए न सड़क है न नक्शे में कहीं सड़क है। आज ये गांव वाले कई दिनों से 17 बसंत बीत गए पंचायत चुनाव को होते, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने किसी ने नहीं सुनी। आज ये इनके जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ चुके हैं कि वहाँ जाने के लिए कहीं से सड़क नहीं है। अगर सड़क है भी तो दूसरे गांव के जो किसान हैं उन्होंने घेर रखी है, आज इनका आना जाना बंद है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो 108 या 102 4 किलोमीटर आगे जाके खड़ी होती है, तब वहाँ से जाके पेशेंट को वहाँ तक पहुँचाया जाता है खटिया के द्वारा या किसी पे बैठा के वहाँ पे उसको 108 में भेजा जाता है। चिल्ला रमेश, आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या नाम है इस गांव का,
और जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हर साल जब चुनाव आते हैं तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, और प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कई बार ग्रामीण यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं। जी, आप अभी जो कल इन्होंने ज्ञापन दिया नायब तहसीलदार नंद किशोर जी को, उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की मांग की, और उन्होंने पटवारी और उसको जो तहसीलदार है उनको आवेदन किया कि इस गांव के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो जिसके लिए कम से कम इनको एक आने जाने का मार्ग तो मिले। लेकिन जब जब चुनाव होता है जनप्रतिनिधि वहां जाते हैं और बड़े बड़े वादे करके जो गांव वाले बताते हैं उस हिसाब से रमेश बने रही हमारे साथ इसी गांव के ग्रामीण मुकेश साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश जी आपका स्वागत है, आपसे जानना ये चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी समस्या है, कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं इस गांव के भीतर। आपको बता दूं हमारे गांव में 73 वर्ष हो गए आजादी के जी, हमारे गांव में बिल्कुल आने जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। रास्ते के नाम से बच्चों की पढ़ाई बीच में ही बंद कराना पड़ता है। यहाँ तक की परेशानी है कि मरीजों को ले जाने के लिए 108-102 गाँव तक नहीं पहुँच पाते हैं। रास्ते के नाम से शासन प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और क्या बताऊं सर, यहाँ तक की बात है कि बच्चों की शादी के लिए अच्छे से रिश्ते भी नहीं आते यहाँ जी। इस समस्या से जूझ रहे हैं सर हम लोग। मुकेश जी आपकी समस्या काफी भीषण है, आप किन किन के पास गुहार लगा चुके हैं और क्या कुछ कहना है जिनके पास आप जाते हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। मुकेश जी और जनप्रतिनिधि लोग तो चुनाव के समय आते हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हम आपके रोड बनाएंगे करके बोलते हैं, जीतने के बाद दोबारा गांव में नहीं आते हैं। तहसीलदार जी के पास कल भी गए थे आवेदन देने के लिए, आ रहे हैं पटवारी को भेज रहे हैं करके बोलते हैं, फिर अभी पुराना वाला नक्शा देखते हैं उसमें रोड ही नहीं है बोलते हैं जी, और दोबारा यहाँ आते नहीं है। चार तहसीलदार को हो गए मेरे को आवेदन देते हुए, कोई आ सके समस्या का समाधान नहीं कर सके सर। गांव में शिक्षा व्यवस्था का स्तर कैसा है मुकेश जी आपके गांव में, क्या वहां पर पढ़ाई होती है, स्कूलों में शिक्षक आते हैं प्रतिदिन? अब जिस गांव की रोड रास्ता ही ठीक ठाक नहीं है वहां की शिक्षा व्यवस्था की हाल क्या रहेगा सर, इससे तो बढ़िया बस्तर है सर, बस्तर भेज देते ना शासन प्रशासन, हम लोग जाने के लिए तैयार है वहां। जी निश्चित रूप से मुकेश जी आपकी बात को समझ सकते हैं, आपकी परेशानी को हम यहाँ समझ सकते हैं, गाँव का बेहद ही बुरा हाल है, शासन प्रशासन के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। नायब तहसीलदार एन के सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एन के सिन्हा साहब स्वागत है आपका असुरार एक्सप्रेस पर। जी सिन्हा साहब, तिलदा के पास एक गांव है, आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी ये विकास आखिरकार ये गांव विकास से कोसों दूर क्यों है? जी कल परसदा गांव से कुछ ग्रामीण आए थे मेरे पास ज्ञापन लेके जी, मैंने वहां पर का नक्शा मैंने तुरंत देखा, वहां पर एक्चुअली ग्रामीण लोगों को रोड रास्ता बनाने के लिए सरकारी जमीन वहां पर उपलब्ध नहीं है। सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां पर रोड नहीं बन पाया है। मैंने शासन प्रशासन को रिपोर्ट मैंने बना के भेज दिया है, वहां पर कुछ प्राइवेट जमीन की अधिग्रहण करनी होगी तब वहां पर रोड रास्ता बन सकता है, और इसके लिए मैंने शासन प्रशासन को मैंने ज्ञापन के साथ मैंने अपना रिपोर्ट भेज दिया। तो कब तक बनवा देगा सेना साहब प्रशासन गाँव के लिए रोड? और एक रोड ही नहीं, यहाँ पर काफी अभाव है, पुलिया नहीं है, पानी भरा रहता है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते सिन्हा साहब, बच्चे स्कूल छोड़ना पड़ता है बच्चों को। अब रोड बन जाएगा तो सारी चीजें बन जाएगी वहाँ पर, और रोड की एक मेन आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद सारी समस्याएं अपने आप का निराकरण। बिजली भी तो पहुंचनी चाहिए ना सर, बिजली भी नहीं है, लालटेन के भरोसे ग्रामीण जीवन यापन करने को मजबूर है। नहीं बिजली है वहाँ पर, बिजली की समस्याएं नहीं आई है, मेरे को ग्रामीणों ने नहीं बताया, बिजली सिर्फ उन्होंने रोड की आवश्यकता बताई है जी। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एन के सिन्हा साहब, और पंकज हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश